मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एंड टैटू अप्रेंटिस एट कोयलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। और ये है रूल्स ऑफ द रोड हिंदी में। आज चर्चा करेंगे वेसल नॉट अंडर कमांड पेर। देखिए, सबसे पहले जब आप रूल्स ऑफ द रोड हिंदी में सीरीज देख रहे हैं तो अपनी आरओआर की जो किताब है अपने पास रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसकी एक गाइड खरीदें। गाइड कौन सी है, ये देख रहे हैं, एस के पुरी द्वारा ये मैनुअल है, ये आप खरीदें। कहाँ से मिलेगी, जहाँ से भी आप सेकंड मेट्स फंक्शंस कर रहे हैं उसी दुकान पे आसपास कहीं मिल जाएगी, अन्यथा जिस भी जगह पे मर्चेंट नेवी की किताबें बिक रही हैं वहाँ पे आप मांगें एस के पुरी की मैनुअल फॉर रूल्स ऑफ द रोड। जब आप ये पढ़ लेते हैं उसके बाद और गहराई में उतरना चाहें, क्योंकि आप ओरल्स दे रहे हैं और गहराई में उतरना चाहें, तो कॉकक्रॉफ्ट की किताब खरीदें। कॉकक्रॉफ्ट मेरे पास पीडीएफ है, डाउनलोडेड है, आपको आवश्यकता होगी आप मुझे बोलें, मैं आपको भेज दूंगा। अब उम्मीद है आपने आरओआर की किताब खोल ली होगी। वेसल नॉट अंडर कमांड क्या है? वेसल नॉट अंडर कमांड एक ऐसा वेसल है जो मनूवर नहीं कर पा रहा। क्यों? किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के कारण। दोहरा दूं, वेसल नॉट अंडर कमांड एक ऐसा जहाज है जो मनूवर अर्थात चल नहीं पा रहा है। क्यों? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के कारण, एक अद्वितीय परिस्थिति आ गई है जिसके कारण वो जहाज मनूवर चल नहीं पा रहा। ठीक है, तो एक जहाज जो ढंग से चल नहीं पा रहा, मनूवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक अद्वितीय परिस्थिति, समस्या, घटना हो गई है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो गया है। अब ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस क्या है, इसके प्रकार, इसके उदाहरण, फर्ज करें जहाज का मेन इंजन फेल हो गया, मेन इंजन फेलियर, इंजन ब्रेकडाउन, कोई समस्या आ गई इंजन में, अब जहाज आपका चल ही नहीं रहा, इंजन का यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप अंडरवे हैं बट मेकिंग वे नहीं है, इंजन आपका फेल हो चुका है इसलिए आप मनूवर नहीं कर पा रहे हैं, ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। इसी प्रकार से स्टीयरिंग गियर फेलियर, स्टीयरिंग फेलियर, आपका स्टीयरिंग गियर खराब हो गया है, स्टीयर ही नहीं हो रहा है, पोर्ट में घुमा रहे हैं घूम नहीं रहा है किसी कारण, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। इसके अलावा प्रोपेलर लॉस्ट, आपका जो प्रोपेलर है वो टूट गया, फंस गया, अड़ गया, घूम नहीं रहा किसी कारण, प्रोपेलर में कुछ समस्या आ गई, प्रोपेलर घूम नहीं रहा या टूट गया और लॉस्ट हो गया कहीं पानी में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, आप मनूवर कैसे कर सकते हैं, तो आप नॉट अंडर कमांड है। एक उदाहरण है, आपका एंकर डाउन है लेकिन एंकर होल्ड नहीं कर रहा, एंकर तो गिराया हुआ है लेकिन एंकर होल्ड नहीं कर रहा, ड्रैग कर रहा है, कभी कहीं पहुंच जाता है कहीं पहुंच जाता है, तो भी आप नॉट अंडर कमांड है। और एक उदाहरण सेलिंग वेसल के लिए, सेलिंग वेसल बी काम्ड, बी काम्ड का मतलब एक सेलिंग वेसल है, मतलब एक नाव है या किश्ती है या जहाज है जो कि इंजन के सहारे नहीं चल रहा है, पाल के सहारे, पाल अर्थात जो पर्दे, जो सेल्स है। अब बी काम्ड का अर्थ होता है कि हवाएं ही नहीं चल रही, हवाएं चल ही नहीं रही, हवाएं ही नहीं चल रही तो सेल, पाल, पर्दा, उसका उपयोग ही नहीं हो सकता, और जब सेल का उपयोग ही नहीं हो सकता, पाल का उपयोग ही नहीं हो सकता, तो जहाज चल भी नहीं सकता, मनूवर भी नहीं कर सकता। तो ये उदाहरण है नॉट अंडर कमांड के, वेसल नॉट अंडर कमांड। अब एक प्रश्न पूछा जाता है खासकर की ओरल्स में, सर्वेयर पूछते हैं हैवी वेदर हो गया है, मौसम खराब, तेज तूफान, ऊंची लहरें, रफ वेदर, बैड वेदर, इसके कारण
मनूवर नहीं हो पा रहा अच्छे से, मनूवर नहीं हो पा रहा, पोर्ट घुमा रहे हैं, बहुत लेट घूम रहा है या घूम ही नहीं रहा, बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, स्पीड किया भी आपकी कम है, समस्या आ रही है मनूवरिंग में, क्या ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है? क्या अब इस अवस्था में आप नॉट अंडर कमांड हो या नहीं? इसका उत्तर बिल्कुल नहीं। वेस्ट अगर हैवी वेदर है, रफ वेदर है, तो मुझे पहले ये एक्शन लेना चाहिए। अर्थात मुझे पता है कोई जहाज आ रहा है और मुझे ऑल्टर करना है पोर्ट साइड, या मुझे ऑल्टर करना है स्टारबोर्ड साइड, मुझे पता है मुझे करना है ऑल्टर, तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मुझे पता है मुझे स्टारबोर्ड ऑल्टर करना है, और जब मैं करूंगा तो मेरा जहाज बहुत ही धीरे ऑल्टर होगा रफ वेदर के कारण, और जितना मैं ऑल्टर करना चाहता हूं शायद उतना हो भी ना, इसलिए मुझे पहले ही ऑल्टर कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव टेकन अर्ली एक्शन, इसलिए मैं नॉट अंडर कमांड नहीं हूं, मुझे अर्ली एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति है मुझे पहले ही अपना एक्शन ले लेना चाहिए, मैं नॉट अंडर कमांड नहीं हूं, नॉट अंडर कमांड की लाइट्स नहीं दिखाऊंगा। एक प्रश्न पूछा जाता है प्री सी ट्रेनिंग के दौरान, आपको यह याद होगा प्री सी ट्रेनिंग में आपको भी ये सरलता के लिए याद रखने के लिए बताया था, नॉट अंडर कमांड रेड ओवर रेड कैप्टन इज डेड। नॉट अंडर कमांड के लिए कौन सी लाइट्स होती हैं? ऑल राउंड रेड लाइट, रेड ओवर रेड, ठीक है, और कैप्टन इज डेड। ये इसलिए बोलते थे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, क्योंकि नॉट अंडर कमांड, अंडर कमांड, कमांड कौन करता है? कप्तान करता है, तो कैप्टन इज डेड मतलब कैप्टन डेड हो गया, मतलब कमांड नहीं है, मतलब रेड ओवर रेड। ये सिर्फ याद रखने के लिए कि रेड ओवर रेड है, नॉट अंडर कमांड, ये सिर्फ याद करने के लिए था। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपका जहाज है, आपके जहाज पे कप्तान को आ गया दिल का दौरा, कप्तान खत्म, कप्तान मर गए, बड़ी खुशी होगी आपको, लेकिन क्या अब आपका जहाज नॉट अंडर कमांड है? भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ याद करने के लिए था, रेड ओवर रेड कैप्टन इज डेड, इस बात को आप ध्यान रखें। इसके सिवा कोई और प्रश्न हो आपका, अभी भी यदि आपकी कोई शंका हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, आप कुछ और पूछना चाहते हो, कमेंट्स में आप टिप्पणी करें, मुझसे प्रश्न करें, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर। मेरा नाम है सौरभ भट्ट, मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में।